हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सर्जन मित्रा। सो दोस्तों, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो हमारा चैप्टर है उसकी एक सीरीज चलाएंगे। यहाँ पे हम बेसिकली करेंगे क्या कि जितने भी पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बनते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को लेकर के, वो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कवर करने की। तो इस जो सीरीज का हमारा पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड हुज यूनिट डिजिट ऑलवेज जीरो एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। सो हमारा एक जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बन सकता है। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है, आपको डिजिट कुछ गिवन भी हो सकते हैं या इस प्रकार से सीधे बोल रखा है कि तीन डिजिट का आपको एक नंबर बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तीन डिजिट का नंबर बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, तीन बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ, ये 1 2 3 इस प्रकार से हमारा कोई नंबर बनेगा। जैसे कि तीन डिजिट का नंबर आप जानते हो कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से शुरू होते हैं, 99 तक दो डिजिट के नंबर रहते हैं, 100 से आपके क्या हो जाते हैं, तीन डिजिट के नंबर। तो 100 से शुरू होते हैं कहाँ तक जाते हैं भाई, आपके 999 तक जाते हैं, है ना, तीन डिजिट के नंबर। तो यहाँ पे वही पता करना है कि तीन डिजिट के ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं और कंडीशन क्या कह रखी है। बनाना तो है ही है, लेकिन कह रखा है कि यूनिट जो डिजिट होगी वो ऑलवेज जीरो होगी, यानी कि यहाँ पे हमेशा हमारा क्या रहने वाला है भाई, जीरो रहने वाला है। अब बताओ भाई कितने तीन डिजिट के नंबर बनेंगे। तो सबसे पहले देखो, मुझे कोई भी नंबर बनाना है, बड़ा से बड़ा लेके चाहे छोटा से छोटा लेके, हमारे पास कौन सी डिजिट अवेलेबल होते हैं, हमारे पास डिजिट यही तो अवेलेबल है, 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, यही तो हमारे पास डिजिट अवेलेबल है किसी भी बड़े से बड़े नंबर को बनाने के लिए। यानी कि टोटल ये कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट हैं टोटल। इन 10 डिजिट को लेकर के मैं कोई भी नंबर बना सकता हूँ। अब यहाँ पे बात आ रही है तीन डिजिट का नंबर बनाना है, जिसके कि यूनिट पे हमने जीरो को फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो जीरो अगर यहाँ पे फिक्स हो गया है तो ठीक है भाई, जीरो को हटा दो। अच्छा हाँ, जीरो को हटा क्यों रहा हूँ मैं, हटा इसलिए रहा हूँ कि जो रिपीटेशन ऑफ डिजिट है वो अलाउड नहीं है, यानी कि अब जीरो दोबारा नहीं आएगा यहाँ पे कहीं, ठीक है। ठीक है जी, नहीं आएगा तो जीरो को मैंने हटा दिया। तो कितनी डिजिट अवेलेबल है बाकी बची हुई, तो एक हटा दी हमने, तो 9 डिजिट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो वो 9 डिजिट कहाँ पड़ते हैं, सबसे पहले सबसे जो हमारा क्या होता है, लेफ्ट में होता है, जो हमारा लेफ्ट में प्लेस है वहाँ पे सबसे पहले भरे जाएगा। तो इन 9 में से यहाँ पे कोई भी एक डिजिट भर सकता हूँ, तो यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटी है मेरे पे, 9 डिजिट अवेलेबल है इस स्थान को भरने के लिए। अब जैसे ही मैंने इन 9 में से कोई एक डिजिट भर दी होगी, चलो आप रेंडमली हमने 6 भरा था यहाँ पे, अब 6 को हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो इस डब्बे के लिए अब कितने डिजिट अवेलेबल हैं। तो देखो, 0 तो हट ही गया था, 6 भी हट गया जैसे, तो कितने बचे, 8 डिजिट अवेलेबल है इस डब्बे के लिए। और इसमें तो हमारा एक ही डिजिट हमने भरना था, जो कि पहले ही बोल रखा था कि 0 होना चाहिए यूनिट पे, हमेशा इकाई के अंक पे। तो देखो, अब जब हम ये हमें ऐसा पता चलता है और हमें देखना है कि टोटल कितने नंबर बन सकते हैं तीन डिजिट के, जिनके कि क्या हो, यूनिट पे जीरो हो और रिपीटेशन ऑफ डिजिट ना हो। तो क्या कर देना है, सीधे सीधे जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी थी भरने की यहाँ पे इन स्थानों पे, उनको क्या कर दो, इनका प्रोडक्ट कर दो। तो 9 अटे कितना हो गया, 72। तो जो ये प्रोडक्ट होता है, यही हमारे क्या है, अवेलेबल नंबर है, यानी कि यही हमारे पॉसिबल नंबर हैं जो हमारे बन सकते हैं इन डिजिट को लेते हुए, जबकि कंडीशन ये है कि रिपीटेशन नहीं होगा किसी भी डिजिट का और यूनिट प्लेस पे क्या होगा, जीरो होगा। तो कितने नंबर ऐसे पॉसिबल हैं, 72 नंबर पॉसिबल है। तो आई होप जो ये कॉन्सेप्ट हो आपकी समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।